सबसे बड़ी बात नथू की ये है कि एक ही छत के नीचे हमें सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है। अगर स्वीट्स किसी ने लेना हो, भटूरे, छोले, पाव भाजी, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, कुछ भी आपको खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए फिर से एक बार लेकर आ चुके हैं बेस्ट प्रपोजल। यमुनानगर के गोविंदपुरी रोड पर खुला नथू स्वीट्स, जिसके बारे में हर कोई जानता है, जिनकी मिठाइयों के स्वाद के लोग इस कदर शौकीन हो चुके हैं कि इनकी कस्टमर डीलिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही दूर दूर से लोग इनकी मिठाइयों का स्वाद चखने के लिए यहाँ पर विजिट करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन आज यमुनानगर के गोविंदपुरी रोड पर खुला नथू स्वीट्स आप लोगों के लिए, खाने पीने के शौकीन लोगों के लिए टेस्ट के टेस्ट को देखते हुए बेस्ट जो फैसिलिटी है वो लेकर आ चुका है, क्योंकि नथू स्वीट्स की ओर से आप एक बेहतरीन रेस्टोरेंट की ओपनिंग हो चुकी है। तो चलिए रेस्टोरेंट के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखाएं, अंदर की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि यमुनानगर का नथू स्वीट्स आप लोगों के लिए बेस्ट, जी हाँ बेस्ट फैसिलिटी लेकर आ चुका है। क्योंकि वीकेंड है तो वीकेंड पर हर कोई अपनी अपनी फैमिलीज के साथ या अपने दोस्तों को टाइम देने के लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट की तलाश जरूर करते हैं। लेकिन अब मुझे लगता है आप लोगों के जो प्रश्नों का उत्तर है, जितने तमाम सवालों का उत्तर है स्वाद को लेकर, वो यमुनानगर के नथू स्वीट्स में आकर मिलने वाला है। तो प्लीज आप लोग एक बार यहाँ पर आकर विजिट जरूर करें। आप अंदर इंटीरियर देख सकते हैं। आने वाले समय में आप सभी बैंक्वेट हॉल के अंदर कोई भी किसी भी तरह का फंक्शन करवाने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए भी नथू स्वीट्स में गगन एक बार वहां जरूर देखें आप। गगन सर नथू स्वीट्स में पहुंचे हैं, रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, यहाँ की एक खासियत मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी जिससे यमुनानगर वाले भी यहाँ पर विजिट के लिए पहुंचे। पहले तो था बढ़िया था, अब रेनोवेशन के बाद दोबारा ट्राई करने हैं। कैसा पहले खाने पीने का स्वाद आपने चखा है यहाँ पे, कैसा लगता है आपको? इनका समोसा सबसे अच्छा है वैसे। समोसा रेस्टोरेंट में और क्या? नीचे सब अच्छा है। हाँ मतलब सही है, बढ़िया है। मतलब बजट का सबसे बड़ा इशू आता है, सर्विस का बहुत बड़ा इशू आता है, सर्विस अच्छी नहीं है। क्या कैसा है मतलब सब यहाँ? ठीक है, सर्विस भी ठीक है, बजट तो जेन्युइन है, नो डाउट। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं फर्स्ट टाइम आई हूं यहां। फर्स्ट टाइम आई है, चलिए। और ये तो है ही है मैम की शादी, अभी मतलब सर की और मैम की शादी हुई है तो पहली बार ये लोग यहां पर विजिट करने के लिए पहुंचे। मैम आप भी कुछ कहना चाहेंगी? मतलब आप जैसी फीमेल्स हैं जो किटी पार्टी करने की बहुत ही ज़्यादा शौकीन होती है, मेरे ख्याल से आप भी करती होंगी। इसके लिए भी अच्छा है और अदरवाइज फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है, सर्विस का इशू हमें कभी नहीं हुआ। वैसे बजट कैसे है मैम? बजट फ्रेंडली है, अच्छा है। हाँ मतलब खाना जो खाने पीने के शौकीन लोग हैं मतलब ये नथू रेस्टोरेंट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। बिल्कुल डेफिनेटली। ओके ओके, तो आप देख सकते हैं फैमिली का जो रिव्यू है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। स्वाद को लेकर ये जो नथू स्वीट्स है ये वाकई में ही यमुनानगर वालों की उम्मीदों के ऊपर पूरी तरह से खरा उतरने वाला है। अगर मैं डिशेस की बात करूं या फूड की बात करूं तो इंडियन, साउथ, चाइनीज, कॉकटेल, हर तरह की चीजें आपको यहां पर बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिलने वाली है। और जो भी कोई यहां पर आकर विजिट करेगा उसको सबसे पहले यहां पर यहां के जो मैनेजर मैम है उनका चेहरा दिखेगा, सारी डीलिंग इन्हीं की ओर से रहने वाली है। क्या कुछ यमुनानगर वालों के लिए खास है एक बार इनसे भी जान लेते हैं। मैम क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम दिव्या है। दिव्या जी, मैं सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि बहुत समय के बाद दोबारा से नथू जो स्वीट्स है अब वो रेस्टोरेंट में बदल चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसके लिए कि यमुनानगर वाले यहाँ पर आकर विजिट करें? जी थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू टू विजिट अस। मैम सबसे बड़ी बात नथू की ये है कि एक ही छत के नीचे हमें सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है। अगर स्वीट्स किसी ने लेना हो, भटूरे, छोले, पाव भाजी, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, कुछ भी आपको सब यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है वेरी इजीली। एंड द टेस्ट बहुत मतलब कह सकते हैं कि अपमोस्ट टेस्ट है हमारा, सब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इवन हमारा बैंक्वेट हॉल भी है, सो अगर किसी को फंक्शन करना होता है, गैदरिंग हमारी 70-80 पीपल्स की इजीली हो जाती है और सब हमारी लाइक फैसिलिटीज़ को देख के, सर्विसेज को देख के दे विल लाइक उनके रिमार्क्स हमारे हमेशा एक्सेलेंट में ही रहते हैं। सो इट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर, मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ये। हमारे यहाँ का स्टाफ भी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छा है और सर्विसेज में कभी भी हमें कोई इशू हमने देखा नहीं कि किसी भी
तरीके का इशू कोई गेस्ट को रहा हो, हमारी तरफ से हम गेस्ट को भगवान मतलब भगवान का दर्जा देते हैं, तो उन्हें हमेशा भगवान की तरह सर्विस कैसे रहने वाली। सर्विस को लेकर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो जो कस्टमर है वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा इशू आता है, सर्विस कैसी मिलने वाली है लोगों को यहाँ पर? मैम हमारी सर्विसेज की बात करें तो हमेशा बढ़िया बढ़िया से भी बढ़िया रहेगी, बिकॉज हमारे पास स्टाफ अवेलेबल है और बहुत अच्छा स्टाफ है हमारा। रेदर देन दिस हमारे जो ऑनर्स हैं दे विल मतलब वो हमेशा यहीं पे रहते हैं और वो भी इस चीज़ का बहुत टेक केयर करते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सर्विसेज को लेकर किसी को भी कोई इशू आने वाला। हर किसी का सपना होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ या अपने अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ऐसे रेस्टोरेंट में आकर विजिट करें या खाएं पिएं, तो क्या लगता है आपको जो बजट है वो किस तरह का रहने वाला है? हर कोई अफोर्ड करेगा अपने बजट को? हर कोई, इवन जिसका भी मतलब छोटे से छोटा लाइक जो स्टूडेंट कॉलेज स्टूडेंट हो गया, स्कूल स्टूडेंट हो गया, अगर उसे है कि गैदरिंग करनी है उसने अपने फ्रेंड्स के साथ, तो ये एक ऐसी पॉकेट फ्रेंडली प्लेस है जहाँ पर आपको बजट का कोई दिक्कत आनी ही नहीं वाला जी, कभी कोई इशू रहेगा ही कुछ नहीं। कहना चाहेंगे यमुनानगर वालों को यहाँ पर विजिट को लेकर, एटलीस्ट एक बार तो यहाँ पर आकर सवाद चखना चाहिए उसको लेकर जी। श्योर, मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी जब भी उन्हें लगे वो फ्री हैं या कैसे भी, वो प्लीज़ यहाँ पर विज़िट करें एक बार, यहाँ का सर्विसेज एम्बियंस सब देखें, वो खुद ही जान जाएंगे, इवन इट इज़ अ गुड प्लेस मैम। मतलब मैं पर्सनली कहना चाहूँगी ये बहुत ज़्यादा ही बहुत 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 बढ़िया प्लेस है, फॉर मी इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू ऑल्सो। हमारे यहाँ पे किट्टी पैकेजेस भी अभी लॉन्च हुए हैं जो कि 220 से स्टार्ट किए हैं हमने, तो हम स्पेशली लेडीज़ को वेलकम करना चाहते हैं। यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के जितने व्यूवर्स अगर इस वीडियो को देखते हैं और अगर वो इस वीडियो के जरिए यहाँ पर आकर विजिट करते हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ डिस्काउंट रखा गया है? यस मैम, हम उन्हें ज़रूर डिस्काउंट देंगे, इवन 20% वी विल प्रोवाइड। ऐसा तो नहीं सिर्फ बोला जा रहा है जब वो आएंगे? नहीं नहीं मैम, इवन हम उन्हें वाउचर कार्ड भी देंगे आगे के लिए भी। ओके ओके जी, चलिए थैंक यू सो मच। तो यमुनानगर के गोविंदपुरी रोड पर खुला नाथू स्वीट्स, मिठाइयों की अगर मैं बात करूं तो मिठाइयों में इनकी कस्टमर डीलिंग इतनी दूर दूर से आती है यहाँ पर कि इनकी जो मिठाइयाँ हैं उसका स्वाद वाकई में ही दोस्तों लाजवाब जरूर है, क्योंकि यमुनानगर में बहुत समय हो चुका है नथू स्वीट्स को खुले हुए और आज इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर विजिट करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन अब इसी के साथ यमुनानगर के नथू स्वीट्स के साथ साथ अब यमुनानगर वालों को सुनहरा मौका यानी कि रेस्टोरेंट की फैसिलिटी मिल रही है, खाने पीने के शौकीन लोग अब यहाँ पर जल्द ही पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपका मन पसंदीदा फूड बहुत ही कम दामों में यहां पर आप लोगों को मिलने वाला है, बजट बिल्कुल ही फ्रेंडली, और सर्विस की अगर मैं बात करूं तो सर्विस बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। यमुनानगर में बहुत सारे रेस्टोरेंट में आप लोगों ने विजिट जरूर किया होगा, लेकिन मेरी आप लोगों से ये पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार नथू स्वीट्स पर भी आप लोग ज़रूर आएँ, एक मौका इनको भी ज़रूर दें, क्योंकि जब भी कोई किसी भी मुकाम पर पहुंचता है तो उसमें जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो हमारी ऑडियंस को जाता है। जब तक आप लोग यहां पर नहीं आएंगे तो किस तरह से नथू रेस्टोरेंट का नाम हाईलाइट होगा, तो आप लोगों की वजह से ही ये सब कुछ है दोस्तों। तो प्लीज़ एक बार यहां पर जरूर आएँ और साथ ही साथ यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के इस वीडियो को जो अभी कोई यहाँ पर देख कर पहुँचेगा उसे भी स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल की नथू रेस्टोरेंट की इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नथू स्वीट्स में आना मत भूले। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर के नथू रेस्टोरेंट से मनदीप कौर की रिपोर्ट।